ओके इस वीडियो के अंदर गाइस आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस आप लोग Redmi 13C 5G फोन में गाइस आप लोग लॉक स्क्रीन पोस्टर को गाइस आप लोग किस तरह से हटा सकते हो। जैसे गाइस सबसे पहले गाइस मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। जैसे गाइस यहां पे आप लोग यहां पे देखो यहां पे मैं गाइस जितना बार भी यहां पे लॉक कर रहा हूं ना जैसे गाइस यहां पे आप लोग यहां पे देख पा रहे हैं गाइस बार बार यहां पे लॉक स्क्रीन का पोस्टर है वो गाइस यहां पे चेंज हो जा रहा है। जैसे गाइस आप लोग यहां पे देख पा रहे हो सो दोस्तों ये गाइस आपका लॉक स्क्रीन पोस्टर गाइस जितना बार भी यहां पे चेंज होता रहेगा ना गाइस आपका फोन का बैटरी भी खत्म होगा और गाइस आपका जो इंटरनेट है गाइस अगर यहां पे डेटा वगैरह ऑन होता है तो गाइस लेटेस्ट न्यूज वगैरह आता है तो गाइस आपका जो बैटरी है ऑब्वियसली यहाँ पे कंज्यूम होगा। तो दोस्तों ये सब प्रॉब्लम है गाइस आप लोग किस तरह से फिक्स कर सकते हो मतलब आप लोग लॉक स्क्रीन पोस्टर को किस तरह से हटा सकते हो वही गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। सो दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो गाइस जल्द से लाइक करो, इस चैनल को गाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्द से सब्सक्राइब करो और गाइस अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो गाइस जल्द से फॉलो करो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दोस्तों ज्यादा बकवास ना करके चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू किया जाए। तो गाइस ये रहा मेरे पास Redmi 13C 5G स्मार्टफोन जैसे गाइस आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो Redmi 13C 5G स्मार्टफोन और गाइस इस फोन में यहाँ पे मैं जितना बार भी यहाँ पे लॉक करूंगा ना जैसे गाइस यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे बार बार यहाँ पे लॉक स्क्रीन का जो पोस्टर है मतलब वॉलपेपर है जैसे गाइस यहाँ पे देख पा रहे हो ऑटोमेटिकली गाइस यहाँ पे चेंज होते जा रहा है जैसे गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। दोस्तों मैं आप लोगों को पहले कहता था इसके वजह से गाइस आपका फोन का बैटरी भी कंज्यूम होते रहता है। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है गाइस अभी आपको बंद करने के लिए क्या करना होगा तो दोस्तों इस फोन में गाइस अभी आपको क्या करना होगा इस फोन का जो सेटिंग एप्लीकेशन है गाइस सबसे पहले गाइस सेटिंग एप्लीकेशन के अंदर चला जाना होगा। ये हमारा सेटिंग एप्लीकेशन गाइस यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। अदरवाइज मैं आपको और भी एक यहाँ पे ट्रिक बताना चाहूंगा सेटिंग एप्लीकेशन लेके आने का। तो दोस्तों अगर आप लोग ऊपर से स्वाइप करोगे ना तो दोस्तों यहाँ पे देखो यहाँ पे भी एक सेटिंग है एक लोगो यहाँ पे देखने को मिल रहा है गाइस अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हो वही सेटिंग यहाँ पे गाइस यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो दोस्तों अभी आपको यहाँ पे क्या करना है ना यहाँ पे देखो गाइस लॉक स्क्रीन नाम करके एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, क्लिक कर देने के बाद गाइस उसके बाद गाइस यहाँ पे देखो ग्लेंस 4 MI नाम करके एक ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यही होता है गाइस आपका लॉक स्क्रीन पोस्टर मतलब। तो दोस्तों ये आपको बंद कर देना है यहाँ पे मतलब यहाँ पे बंद करने के लिए गाइस यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखो टर्न ऑन यहाँ पे एग्जिटिंग मतलब यहाँ पे टर्न ऑन यहाँ पे देखो पहले से मतलब ऑन है इसलिए गाइस आपका लॉक स्क्रीन का यहाँ पे बार बार यहाँ पे पोस्टर आते रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है ये जो ऑप्शन है गाइस यहाँ पे आपको सिंपल जैसे करके बंद कर देना है। बंद कर देने के बाद गाइस आप लोग अभी जितना भी यहाँ पे लॉक करोगे ना गाइस आपका जो पोस्टर है यहाँ पे चेंज नहीं होगा जैसे गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो गाइस आपका जो पोस्टर है यहाँ पे चेंज नहीं होगा। लेकिन गाइस अगर आप लोग इस प्रकार से ऐसा कर देते हो ना ऐसा करने के बाद गाइस यहाँ पे डिफॉल्ट है फिर से यहाँ पे क्लिक करने के बाद एग्री पे क्लिक कर देते हो तो गाइस आपका यहाँ पे फिर से यहाँ पे लॉग स्क्रीन का जो पोस्टर है ये गाइस यहाँ पे फिर से यहाँ पे ऑन हो चुके हैं जैसे गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या नहीं करना है ना ये जो ऑप्शन है गाइस यहाँ पे फिर से यहाँ पे इनेबल हो चुके हैं जैसे गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पे बंद कर देने के बाद गाइस आपको साइड से कभी भी ऐसा मतलब यहाँ पे साइड से ऐसा नहीं करना है ऐसा करने से गाइस आपका जो लॉग स्क्रीन पोस्टर है वो गाइस यहाँ पे फिर से यहाँ पे चालू हो जाएगा जैसे गाइस मैं आप लोगों को यहाँ पे पहले दिखा दिया। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल ऐसा मत करना ऐसा करने के बाद गाइस यहाँ पे डिफॉल्ट पे क्लिक करने के बाद गाइस ऐसा आप लोग बिल्कुल मत करना। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग भी गाइस Redmi 13C 5G फोन में आप लोग भी गाइस लॉक स्क्रीन पोस्टर को हटा सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, अगर हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को गाइस अभी लाइक करो और गाइस चैनल को गाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्द से सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों आज कल इतने, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।